विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही माह बचे हैं, इसे लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अपने विभिन्न मुद्दों के साथ सड़क से लेकर कार्यालय तक घेराव करने को बाध्य हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बेलतरा विधायक रजनीश सिंह के कार्यालय का घेराव किया, जिसमें आप पार्टी द्वारा 5 साल का हिसाब मांगते हुए अपनी मांगे रखी। इस दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने कहा कि मूलभूत चीजों से ग्रामवासी सहित शहर जूझ रहा है, जिसमें नाली, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सहित 33 बिंदुओं को लेकर मांगे रखी गई। मूलभूत सुविधाएं जो कि हर इंसान की हक होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। हक सिर्फ इंसान का नहीं होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र का भी होता है। अभी भी हमारे कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे रोड, नाली उसके लिए परेशानी है। क्यों इतना पिछड़ा हुआ रखा जा रहा है क्षेत्रों को? अभी भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे दलदल बन चुकी है बारिश में। एक बारिश में सड़क पूरी फट चुकी होती है, दलदल बन जाती है। अभी भी हमारा किसान परेशान है, उसको अपनी राशि नहीं मिली है, भ्रष्टाचार से परेशान है सारी जनता। इसको इसी सभी मुद्दों को लेके हम लोग